हिंदुस्तान में कोविड की लहर भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी। गुना में स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी लहर से निपटने के लिए अपनी कमर कस ली। हिंदुस्तान में कोविड महामारी की दूसरी लहर शांत भी नहीं हो पाई कि एक नए वेरिएंट ने भारत में दस्तक दे दी है। इस वेरिएंट का नाम है डेल्टा प्लस, जिसको लेकर कुछ विशेषज्ञों ने अपनी चिंता व्यक्त की है और बताया है कि ये वेरिएंट पहले से ज्यादा शक्तिशाली है, जिस पर वैक्सीन का भी असर ना के बराबर होगा। डेल्टा ने भारत में दस्तक देते ही अपना विकराल रूप लेना शुरू भी कर दिया। देश में कोरोना की तीसरी लहर का संकेत मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सभी की चिंताएं बढ़ी हैं। ये तस्वीर स्वास्थ्य विभाग की है, जो तीसरी लहर से निपटने के लिए गोंडा स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई। दरअसल गोंडा के कोविड अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जिले में करीब 225 ऑक्सीजन सिलेंडर भी भरे गए। लोग अच्छे तरह से तीसरी लहर की तैयारी करने के लिए बहुत परपज हैं। हम लोग अच्छे से काम करेंगे और अच्छे से हम लोग व्यवस्था से चारों तरफ साफ सफाई और सारी व्यवस्था अपने तरफ से किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने महामारी से निपटने के लिए 60 बेड का आईसीयू वार्ड तैयार किया है। विभाग ने पहले से ही कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी तैनात कर दिए हैं। कुल मिलाकर तीसरी लहर के बारे में सभी लोग संवेदिक हैं और सभी को ये कहा जा रहा है कि अपनी तैयारियां पूर्ण कर लें, और इसी क्रम में यहाँ पे गोंडा में हम लोग बढ़ी हुई क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहे हैं, जिसकी क्षमता 1500 लीटर पर मिनट की है। उसके साथ साथ पीडियाट्रिक्स के आईसीयू और एनआईसीयू भी तैयार किए जा रहे हैं। गोंडा का स्वास्थ्य महकमा दूसरी लहर से सबक लेते हुए पहले से ही तीसरी लहर की तैयारी में मुस्तैद हो गया है। ऑक्सीजन की बात हो या आईसीयू बेड की, विभाग ने पहले से ही तैयारियां की हैं। जनपद गोंडा में कोविड चिकित्सालय में हम लोगों ने लगभग 60 बेड का एक पीकू वार्ड तैयार करा है, जो बच्चों के लिए है, जो कि दिशा निर्देश हो रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों के लिए ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए 60 बेड पूरा विद वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पैनल के साथ किया रखा है। और 60 बेड के लिए बाकायदा स्टाफ की भी ड्यूटी लगा दी गई है, जिसमें से 2 पीडियाट्रिशियन सुबह, 4 डॉक्टर, 4 स्टाफ नर्स, 2 स्वीपर और 2 वार्ड बॉय, ये हर शिफ्ट में मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट तीनों शिफ्ट के लिए कर रखा गया है। हिंदुस्तान में तीसरी लहर कब आएगी और कितनी घातक होगी, ये अभी किसी को नहीं पता। लेकिन जिस तरह से गोंडा स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी की है, इस हिसाब से अगर सभी जिले के स्वास्थ्य विभाग तैयारी कर लें, तो कोरोना की तीसरी लहर पर लगाम कसी जा सकती है। राशिद खान, गोंडा, हिंदी खबर।